मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। आज मैं आप लोगों को रेकी हीलिंग के बारे में वो बात बताने वाली हूँ जो शायद पहले आपने किसी वीडियो में नहीं देखी होगी, नहीं सुनी होगी। कुछ अनोखी और बहुत काम की चीज अगर आपने किसी की हीलिंग कर दी है, लेकिन अब आप उस हीलिंग को बंद करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो मैंने हीलिंग कर दी है वो खत्म हो जाए। कोई भी रीजन हो सकता है, ये रीजन हो सकता है कि वो व्यक्ति ही नहीं रहा है जिसकी आप हीलिंग कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि वो प्रॉब्लम उसकी ठीक हो गई कहीं ना कहीं, या फिर आपने जिसकी हीलिंग करी है वो आगे आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आपको पूरी पेमेंट नहीं मिली है, कुछ भी हो सकता है। उसका क्या तरीका है वो आपको बताऊंगी। अब सबसे पहले जो लोग पहली बारी समझ रहे होंगे रेकी क्या है, नहीं समझ में आती है लोगों को, अभी मैं डालूंगी अपनी और वीडियोस में डिटेल में, जैसे मैंने पहले डाला था अपने चैनल। देखिए वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, लाइक कर दीजिए। अगर आपको अच्छी लगती है ये सारी जानकारी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट डालिए। देखिए अभी बात करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं बता दूं रेकी हीलिंग के बारे में। रेकी हीलिंग एक तकनीक है जैसे मोबाइल की तकनीक है। मोबाइल जुड़ता है वातावरण की तरंगों से और हमारी बात करा देता है किसी से भी। यहाँ हम वातावरण की तरंगों से जुड़ते हैं, हमारे हाथों के द्वारा ऊर्जाओं का प्रवाह होता है और हम अपनी शारीरिक समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, मानसिक समस्याओं को ठीक कर सकते हैं और जीवन की और दूसरों की भी कर सकते हैं। जैसे मोबाइल दूसरों से जुड़ता है, हम अपने लिए भी तो उसमें बहुत कुछ देख सकते हैं और दूसरों से भी जुड़ जाते हैं, वैसे ये एक टेक्निक है। कोई ये नहीं है कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो आप बोलें कि ये जादू है, जादू वादू कुछ नहीं है, एक साइंस है। इसको आप साइंस की तरह लीजिए ताकि आप अपने जीवन में इसको यूज करें, आगे बढ़ सके। डिटेल में बताऊंगी, वहां आप उन वीडियोस में समझ लेना, अभी ज्यादा नहीं बताती, नहीं तो जो मेरे हैं पुराने स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको बोर लगने लगेगा। अब बात करते हैं, अगर आपने किसी की हीलिंग कर दी है और अब आप चाहते हैं उस हीलिंग को आप खत्म करें, उसके दो तरीके हैं। पहला तो आप रेकी ऊर्जाओं से प्रार्थना कीजिए हाथ जोड़ के, लेकिन ये देखिए आपको जब भी ऐसा कुछ करना है अपने ऊपर सिंबल बनाने हैं, उसके बिना नहीं होगा। आप अपने ऊपर सिंबल बनाइए, अपनी हीलिंग कीजिए, उसके बाद ऐसा कीजिए। जब तक आप रेकी ऊर्जाओं को आमंत्रित ही नहीं करेंगे, वो जो पॉजिटिव एनर्जी है, तो आप किससे बात करेंगे? अपनी हीलिंग करने के बाद जब आप पावरफुल हो जाएंगे, जैसे मोबाइल चार्ज होता है वैसे आप चार्ज हो जाएंगे, तभी तो आप कनेक्ट होंगे। फिर आप हाथ जोड़िए, रेकी ऊर्जाओं को प्रार्थना कीजिए कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं या करती हूं कि जिनकी भी मैंने हीलिंग की है कृपया आप उनकी हीलिंग को अभी बंद कर दीजिए। कारण जो भी है आपके मन में वो आप उन्हें सही सही बता दीजिए कि आगे मैं उनकी हीलिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं करना चाहती हूँ, मुझे ये चीज पॉजिटिव नहीं लग रही, या फिर आपको हेल्थ इश्यूज आते हैं। कभी कभी ये हो जाता है आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं किसी की हीलिंग के बाद, क्योंकि आपकी मेडिटेशन इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए आपको हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं, तो आप सिर्फ वहीं स्टॉप कर दीजिए, प्रार्थना कीजिए आप प्लीज इन्हें बंद कर दीजिए। और फिर उसके बाद आप अपनी कॉर्ड कटिंग करेंगे नाभि से, ऐसे कि आपने कट कर दिया, आपको लगेगा हाँ मैं हल्का हो गया हूँ, ये हल्की हो गई हूँ। और फिर उसके बाद आप उन्हें थैंक्स करेंगे, थैंक्स आपने उनकी हीलिंग को आपने बंद कर दिया है। और फिर उसके बाद आप चाहें तो आप अपने हर चक्र से कॉर्ड कट कर सकते हैं उनसे, चाहें तो नाभि से करें तो भी हो जाएगा। एक तो ये एक सिंपल सा तरीका है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक ची बॉल बनाइए, जैसे कि आप बनाते हैं रेकी की। ची बॉल क्या है अभी बताऊंगी, अब सारी चीजें मुझे डिटेल में फिर से बतानी पड़ेगी। आप जैसे ची बॉल बनाते हैं अपने हाथ की ऊर्जाओं से, ची बॉल बनाइए, पूरा अच्छे से उसको फील कीजिए ची बॉल को, फिर उसके अंदर उसको डालिए, जो वो पर्सन है उसकी हीलिंग को डालिए, उस पर्सन की हीलिंग को डालिए। मैंने जो उस पर्सन की हीलिंग करी, आप ये भी डाल सकते हैं, या फिर आप सिंपल एक ची बॉल बनाइए, उसमें सिंबल्स डालिए। अगर आप चोकरे बनाते हैं, आप डाइक्योमा बनाते हैं, तभी आप ची बॉल बना सकते हैं, नहीं तो आपको कॉपी के थ्रू करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप एक सिंपल ची बॉल बनाइए और उसमें सिंबल्स डालिए और उसके बाद उसको ये अफर्मेशंस दीजिए कि जिनकी मैंने हीलिंग करी है उनकी हीलिंग की जो भी एनर्जीज है उसको ये जाके नष्ट कर दे, और उसके बाद ये खुद भी नष्ट हो जाए। इस तरीके से आप उसको ऊपर छोड़ देंगे, फिर बाकी आप बोल देंगे हायर एनर्जीज अपने हिसाब से देख लें कैसे मैनेज करना है, और डिस्कनेक्ट कर दीजिए। जब तक उनकी सारी हीलिंग नहीं कर जाती तब तक ये ची बॉल घूमती रहे और जो भी मैंने हीलिंग करी है उस सारी को खत्म कर दे। ये भी आप बोल सकते हैं, जैसे हम कॉर्ड कटिंग कहते हैं, उनके साथ आप कॉर्ड कट करना चाहते हैं, अपना डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं। देखिए जब हम हीलिंग करते हैं, जैसे बच्चा माँ से जुड़ता है, नाभि से ही जुड़ता है ना,
वो हमारी ही क्रिएट की हुई चीजें ना जो कि हम कर रहे हैं आगे ऊर्जाओं का, तो वो भी हमारी नाभि से ही जुड़ती। कॉर्ड कट कर दीजिए ऐसे करके, आपको कितना रिलीफ लगेगा। अभी तो जबकि मैंने किसी की हीलिंग नहीं बंद की है, आपको बताने में ही मुझे इतना रिलैक्स लग गया, इतना रिलीफ लग गया, एकदम कॉर्ड कट करके इतना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं किसी एनर्जी से कनेक्ट हो रही थी और वो डिस्कनेक्ट हो गई, अब मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आप कभी वैसे भी आप डाउन भी फील करें ना, तो आप ऐसे कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। पता नहीं कौन सी एनर्जीज कहाँ आपको इफेक्ट कर रही है। तो आप ये देखिए कि हमारे पास सारे सॉल्यूशंस हैं, जैसे हमको टेक्निक यूज करते हैं वैसे ही रेकी है। हम किसी प्रॉब्लम में स्टक नहीं होने वाले कि हमने हीलिंग कर ली तो हम फंस गए। नहीं, हम नहीं फंसे, हमारे पास हर चीज का हल है, क्योंकि ये एक तकनीक है, एक साइंस है, हम कहीं भी नहीं फंसेंगे। हमें जरूरत है कि हमें रेकी को कैसे प्रयोग करना है वो हमें आना चाहिए, हमें सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर हम सही तरीके से टेक्निकल चीजें से इसको फॉलो करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब हम समझते नहीं है, हम रेकी की ऊर्जा को नहीं समझते कि कितनी बड़ी ऊर्जा है ये, कितनी महान ऊर्जा, हम ऐसे ही बस यूं ही करते जाते हैं, जो मिला उसकी हीलिंग कर दी, ये कर दिया, सीरियसली नहीं लिया, जिनकी डेथ हो गई उनकी हीलिंग हम बंद नहीं करते, तो हमें प्रॉब्लम्स होती है। रेकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है, जैसे आपके हाथ में मोबाइल है ना, टच वाला, जरा सा कुछ हो गया, कुछ का कुछ हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसी में आपका मोबाइल में आपका बैंक भी होता है, सब कुछ होता है। अब देखिए ना, टेक्निकल चीजें तो ऐसे पता नहीं चलता है कि कहाँ हमने चूक कर। देखिए ऐसा ही है, अगर हम टेक्निक को ठीक से समझेंगे तो हम इसे पॉजिटिव वे में यूज करेंगे, कहीं ना कहीं हमें नॉलेज कम होगी तो हम समझ नहीं पाएंगे, हम उलझेंगे। तो हम क्यों उलझे, हम फुल नॉलेज लेंगे। फुल नॉलेज लीजिए, मेरा चैनल देखिए रेगुलर, आपको अच्छी लगती है ऐसी जानकारी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझसे मेरी यूट्यूब की फैमिली का मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस चाहिए, जैसे मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मुझे भी आपका बहुत सारा प्यार चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी जानकारी के साथ मैं आपके साथ आती रहूंगी, कोशिश करूंगी कि लगातार। मैं रमा जोशी, प्रणाम।